दोस्तों भारत में व्लॉगिंग की बात हो तो सौरव जोशी का नाम तो टॉप लिस्ट पे आना ही है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि सौरव जोशी ने अपनी पहचान तो अपने आर्ट से बनाई थी। सौरव काफी सुंदर ड्राइंग बनाते हैं और उनकी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, लेकिन जब से सौरव ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मानो यूट्यूब पर बाकी व्लॉगर्स की तो छुट्टी हो गई है। इस समय वो डेली व्लॉगर हैं। आप चाहे छोटे हो या बड़े, सौरव को भारत में सभी जानते हैं, क्योंकि आज वो इंडिया के नंबर वन व्लॉगर बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। सौरव और उसके सक्सेस को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको सौरव के बारे में ऐसे अननोन फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सौरव जोशी या फिर पीयूष जोशी के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, सौरव का जन्म 8 सितंबर 1999 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। और जैसे कि हम जानते हैं, सौरव ने काफी कम उम्र में काफी कुछ अचीव कर लिया है। सौरव के पिता का नाम हरिंदर जोशी है और इनकी माँ का नाम हेमा जोशी है। फैक्ट नंबर टू, सौरव पहले तो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन बाद में सौरव की फैमिली झांसी में शिफ्ट हो गई। झांसी हरियाणा की एक सिटी का नाम है। दरअसल सौरव के पिता कुछ 20 साल पहले झांसी में काम के लिए गए थे। हरियाणा में रहने की वजह से सौरव की फैमिली पहाड़ी लैंग्वेज बोलती है। फैक्ट नंबर थ्री, सौरव की फैमिली में उनके पिता, उनकी माँ, उनकी ग्रैंड मदर और उनके दो भाई भी हैं, जिसमें से पीयूष को तो सभी लोग जानते ही होंगे। सौरव के दूसरे भाई का नाम साहिल है। इसके अलावा ओरियो भी इनकी फैमिली का पार्ट है, जो इनका पेट डॉग है। फैक्ट नंबर फोर, सौरव ने अपनी स्कूलिंग हरियाणा से की है। इस समय वो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स कर रहे हैं। सौरव हमेशा से ही पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे हैं। 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद सौरव ने 3 साल का ड्रॉप ले लिया था। ये ड्रॉप सौरव ने इसलिए लिया था क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर में कुछ सोचा नहीं था। वे तो ड्रॉइंग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, तो उसी में कुछ करने का सोच रहे थे। फैक्ट नंबर फाइव, सौरव जब 1 साल तक ड्रॉइंग करने के बाद भी उसे अर्न नहीं कर रहे थे तो उनके पिता ने उन्हें अपने साथ काम पर चलने को कहा। और सौरव अपने पिता के साथ काम पर गए भी, लेकिन एक पूरा हफ्ता काम पे जाने से सौरव को अपने आर्ट के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। और सौरव बताते हैं कि वो एक दिन भी ड्राइंग ना करें तो उन्हें खाली खाली लगता है। फैक्ट नंबर सिक्स, सौरव का नेचर बचपन से ही शाय रहा है। वो पहले इतनी बात नहीं करते थे जितना कि व्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद कर रहे हैं। और आज सौरव के यूट्यूब पर मिलियंस में फैंस हैं। सौरव की माँ का भी कहना है कि सौरव पहले बहुत शर्माता था, लेकिन अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। फैक्ट नंबर सेवन, सौरव अपना कैरियर तो बना ही रहे हैं, इसके अलावा वो अपनी लाइफ में वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। सौरव खुद भी ट्रेवल करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को भी घुमाना चाहते हैं। फैक्ट नंबर एट, सक्सेस को लेकर सौरव से Q&A में किसी ने क्वेश्चन किया था कि डू यू बिलीव इन लक एंड हार्ड वर्क। इस पर सौरव का जवाब था, किस्मत जैसा कुछ नहीं होता, सक्सेसफुल होने के लिए हार्डवर्क ही सब कुछ होता है। वहीं सौरव के भाई पीयूष और उनके पिता का भी यही कहना है कि हार्डवर्क ही सब कुछ होता है। फैक्ट नंबर नाइन, सौरव ने पहले अपना आर्ट चैनल स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने 19 फरवरी 2019 में अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया। फैक्ट नंबर 10, सौरव के यूट्यूब पर 2 चैनल्स हैं, जिसमें से एक सौरव जोशी व्लॉग्स है जिस पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और दूसरा सौरव जोशी आर्ट्स है जिस पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। फैक्ट नंबर 11, सौरव ने आर्ट्स को 4 साल पहले स्टार्ट किया था और वहीं सौरव ने अपना आर्ट यूट्यूब चैनल 3 साल पहले स्टार्ट किया। फैक्ट नंबर 12, सौरव को 100 व्यूज गेन करने में 3 से 4 महीने का टाइम लग गया था जब इन्होंने YouTube स्टार्ट किया था। और आज हम देख ही सकते हैं, सौरव को व्लॉगिंग करते हुए 2 साल ही हुए हैं और वो मिलियंस में व्यूज गेन करते हैं। फैक्ट नंबर 13, सौरव ने YouTube को कैसे ज्वाइन किया, ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। दरअसल जब सौरव 1 साल से थोड़ी बहुत स्केचिंग करते थे, तभी उनके कजिन ने ये सब YouTube पर डालने को कहा और इसका रिजल्ट आज हम सबके सामने ही है। सौरव कहते हैं, अपने आर्ट को YouTube पर अपलोड करने से ही उनके अंदर का आर्टिस्ट इम्प्रूव हुआ है। नंबर 14, आर्ट सक्सेस एंड एक्सपोजर को लेकर सौरव का मानना है कि आज के टाइम पर एक्सपोजर जैसी कोई चीज नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई आर्ट या टैलेंट है तो उसे एक्सपोजर हमें खुद ही देना पड़ता है। सौरव अपने आर्ट को खुद ही दुनिया के सामने ले आए और इसी तरह सबको अपने आर्ट को खुद ही एक्सपोजर देना पड़ता है। फैक्ट नंबर 15, ये बात तो थी सक्सेस की, पर क्या आप सौरव की स्ट्रगल स्टोरीज को जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, सौरव की सक्सेस के पीछे काफी ज्यादा स्ट्रगल भी है। और तो और, सौरव ने एलिजिबल होने के बाद, सौरव ने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब इनका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो रहा था,
लेकिन जैसे तैसे करके इनका चैनल एलिजिबल हो गया और एलिजिबल होने के बाद इनका चैनल मोनेटाइज होने में काफी समय लगा रहा था और कारण ये था कि YouTube में एड्स एडवर्टाइजमेंट सिंक्रोनाइजेशन यूज करने के लिए यूजर्स को अपना एड्रेस वेरीफाई करवाना होता है। रेंट के घर में रहने की वजह से एड सिंक्रोनाइजेशन की वजह से चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका चैनल वेरीफाई तो नहीं हो रहा था, साथ ही उनके एड्स भी उनके चैनल पर नहीं आ रहे थे। लेकिन सौरव ने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने अपने व्लॉगिंग चैनल का एड एक्टिवेट कर लिए और उन्होंने अर्न करना भी शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 16। इसके अलावा भी सौरव के स्ट्रगल की ऐसी कई बातें हैं जो आप शायद नहीं जानते हैं। वैसे तो सौरव के फैंस कई सारे हैं, लेकिन कई लोगों ने सौरव के व्लॉग्स को क्रिटिसाइज भी किया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये क्या फालतू की फैमिली वीडियोस डालता है, लेकिन सौरव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया आज तक। वहीं ऑडियंस सौरव की वीडियोस, जो कि उनकी सिंपल डेली लाइफ को बताती हैं, उनके व्लॉग से अपने आप को रिलेट करने लगे और इन्हें और ज्यादा पसंद करने लगे हैं। फैक्ट नंबर 17। सौरव ने 25 फरवरी 2021 को इनोवा कार ली थी। उस समय उसकी कॉस्ट थी 21 लाख रुपए। सौरव अपनी इनोवा कार को लॉन्ग ड्राइव के लिए हांसी से झांसी खुद ड्राइव करके भी लेकर गए थे, जो कि 600 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 18। सौरव अपने आर्ट के एग्जीबिशन करते रहते हैं, जिसमें फॉरेन से भी लोग आते हैं। सो दिस सिंपली मींस कि सौरव का आर्ट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी फेमस है। फैक्ट नंबर 19। वहीं बात करें सौरव की व्लॉगिंग की, तो सौरव की व्लॉगिंग को लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। वहीं सौरव एक ऐसे व्लॉगर हैं जो कि डेली विदाउट सिंगल मिस व्लॉग्स अपलोड करते हैं। दिस शोज हिज डेडिकेशन, पैशन एंड लव टुवर्ड्स व्लॉगिंग। लेकिन बीइंग अ सौरव फैन, हम सब ये बात तो जानते ही होंगे कि जब सौरव को कोविड हो गया था, तब उस टाइम सौरव डेली व्लॉग्स नहीं डाल पा रहे थे। सौरव एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो जिस दिन व्लॉग अपलोड नहीं कर पाते हैं, उन्हें खुद में गिल्टी फील आती है। सौरव ने लास्ट ईयर लॉकडाउन में 365 डेज में 365 व्लॉग्स अपलोड करने का चैलेंज लिया था और अच्छी बात ये भी है कि सौरव ने इस चैलेंज को पूरा भी किया। फैक्ट नंबर 20। सौरव फ्लाइंग बीस्ट को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। आफ्टर ऑल फ्लाइंग बीस्ट भी अपनी डेली लाइफ व्लॉगिंग के लिए जाने जाते हैं। फैक्ट नंबर 21। जब सौरव ने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तब वो इन सब के लिए सीरियस नहीं थे। आज यूट्यूब पर इनकी व्लॉगिंग को जो सक्सेस मिला है, वो रैंडमली स्टार्ट हो गया था। उन्होंने ये सब कभी सोचा नहीं था, वो तो बस वीडियोस डालते गए और सोचते थे कि ये सब तो वो बस यूं ही डालते हैं और अगर ये नहीं चला तो बाद में कोई और जॉब कर लेंगे। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, आप लोग इस स्टार्ट के बारे में शायद ना जानते हो, पर अक्टूबर 2020 में सौरव को IIT की तरफ से इनविटेशन भी आया था फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ स्केचिंग वर्कशॉप, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 23। सौरव के बारे में अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता है कि सौरव ड्राइंग बनाने के लिए जिस ड्राइंग शीट को यूज किया करते थे, वो ड्राइंग शीट वो अपने चाचा या फिर मामा से उधार पे पैसे लेके लिया करते थे। तो दोस्तों, दैट वॉज द वीडियो अबाउट सौरव जोशी व्लॉग्स। वी होप कि आपको सौरव जोशी का ये फैक्ट वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसके अलावा भी सौरव जोशी के बारे में और कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं डाले, और अगर हम वो फैक्ट्स इस वीडियो में डालते तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कर दो लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट कर दो। धन्यवाद।